नाज़रीन, आज हमारे साथ रियासत की आंखें और कान मौजूद हैं। इसको इंटरनेशनल लेवल पर हमें इसको लेकर जाना चाहिए, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट का एक फेस है ये, और इट्स अ वंडरफुल। बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, आपके छोटे छोटे पॉकेट्स हैं जिनका मुझे अंदाज़ा नहीं था पहले, तो वो मुझे देख के अच्छा लग रहा है और एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील होती है। ई चलान हो रहा है और आपके डोर स्टेप पर आपको चलान मिल रहा है, आप जाएँ ऑनलाइन पे कर दें या जैसे भी उस फैसिलिटी को आप अवेल कर सकते हैं। उससे ये हो रहा है कि लोग जो हैं वो सिग्नल्स तोड़ नहीं रहे हैं, एटलीस्ट रुक जाते हैं, लाइन से पीछे खड़े होते हैं। मैं यहाँ पे आज मैंने विजिट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, इट इज़ अमेजिंग। और ऐसा मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के तमाम सूबों में ऐसा एक सिस्टम होना चाहिए कि आपके शहर के एग्जिट और एंट्री पॉइंट्स जो हैं वो नोट हो रहे हैं। जब कोई बिजनेस कॉन्फ्रेंस हम करेंगे तो बजाय इसके कि हम उन्हें लाहौर के और हिस्टोरिकल प्लेसेस दिखाएं, हम उनको यहाँ पे लेकर आएंगे ताकि वो देख सकें कि यहाँ पर उनका बिजनेस करना कितना सेफ और सिक्योर है उनके लिए। जो हमने विजिट किया है पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी, हमें बहुत अच्छा लगा। एक स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्टीट्यूट है पाकिस्तान में जो हमारी सेफ्टी को इंश्योर कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उमर बख्त और आप देख रहे हैं PSEA TV। नाज़रीन, आज हमारे साथ रियासत की आंखें और कान मौजूद हैं। जी हाँ बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूँ पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी में आज डायरेक्टरेट जनरल पंजाब पब्लिक रिलेशन के यहाँ पे ऑफिसर्स मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं उनको पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी कैसी लगी और ये सारा इन्वायरमेंट देख के वो क्या फील कर रहे हैं। वेलकम टू द शो। मेरे साथ इस वक्त डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन मैडम रुबीना मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि उनकी क्या फीलिंग्स हैं कि पुलिस की जो इंटीग्रेशन बिटवीन द डिपार्टमेंट्स देख के वो किस तरह फील कर रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम, मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगा। मैं कई मरतबा यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ, मुख्तलिफ डेलीगेशन के साथ आती हूँ, उनका विजिट दिखाते हैं और उनका अपना एक वंडरफुल प्रोजेक्ट दिखाते हैं। लेकिन आज जिस तरह डिटेल में मुझे आपने यहाँ ब्रीफिंग दी है, उससे मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा कि इतना ज़्यादा क्लोज कोऑर्डिनेशन है। इससे हमें सेफ सिटी पर आके हमें सेफ्टी का एहसास होता है। हमें ये नहीं लगता कि हम कहीं बाहर हैं, हम अनसेफ हैं। इतने सारे कैमरास जो हम आपने लगा रखे हैं हमें स्पॉट पर मौजूद हैं, हमें दिखा रहे हैं कि लम्हा लम्हा की सूरत हाल क्या हो रही। ना सिर्फ ये है बल्कि अच्छी बात तो ये है कि आप लोगों का पुलिस के साथ इतना क्लोज कोऑर्डिनेशन है कि आप लम्हा ब लम्हा उनको आगाह करते रहते हैं। और माजी के वाकयात आपके सामने वो गवाह हैं कि आपने कितनी सारी वो इंसिडेंट होने से रोक लिया, बहुत ब्लास्ट हो। हाँ बिल्कुल, से ये मान ली। और मैं मुझे ये अच्छा लगेगा कि अगर इसका दायरा गौर पूरे पाकिस्तान में बढ़ा दिया जाए, और बल्कि जो हमारा इसको इंटरनेशनल लेवल पर हमें इसको लेकर जाना चाहिए, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट का एक फेस है ये, और इट्स वंडरफुल। DGPR का जो वफ्त सेफ सिटी आया था उसमें हमारे साथ एक पार्टिसिपेंट मौजूद है, उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं उनकी यहाँ पे आके क्या फीलिंग्स है। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, एक तो मेरा एक फ़र्स्ट विज़िट था। ये प्रोजेक्ट तो चूँकि हुकूमत पंजाब का ही है और हमारे सामने ही शुरू हुआ है। हम हमेशा से यहाँ पे अपने डेलीगेशंस भेजते रहे हैं, मीडिया वगैरह आता रहे यहाँ पे, लेकिन मैं खुद फ़र्स्ट टाइम आई हूँ। और जो चीज़ें मैं हमेशा पिक्चर्स में और वीडियोस में देखती थी, आज मैंने खुद देखा है और डेफिनेटली आई एम इम्प्रेस्ड। जितना मैंने सोचा था, इफ़ आई वुड से कि मुझे उससे ज़्यादा अच्छा लगा है। बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, आपके छोटे छोटे पॉकेट्स हैं जिनका मुझे अंदाज़ा नहीं था पहले, तो वो मुझे देख के अच्छा लग रहा है और एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील होती है कि इतने ज़्यादा कैमराज लगे हैं, अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो भी जाए, मोबाइल स्नैचिंग हो जाए या कुछ इस तरह का, तो देयर इज़ होप कि कोई बंदा पकड़ा जा सकता है।
उसके अलावा थोड़ा सा मुझे ये भी लगता है कि अब सिग्नल पे जिस तरह पहले आप देखते थे कॉन्स्टेबल खड़ा है कि नहीं, अब हम देखते हैं कैमरा लगा है कि नहीं लगा, तो इट्स डेफिनेटली इट्स अ वंडरफुल इनिशिएटिव। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जहां 8000 कैमराज हैं इनको मतलब देयर शुड बी थाउजेंड्स मोर। मेरे साथ इस वक्त PRO2 एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब मैडम मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो किस तरह देखती हैं कि एक टाइम था पुलिस की अच्छी चीज़ों को आवाम को दिखाने की जरूरत थी, अब दिखाया जा रहा है और किस तरह का अच्छा मैसेज जा रहा है, जहाँ पे पुलिसिंग जदीद है वहाँ पे जो हमारा सोशल मीडिया भी जदीद है, क्या इम्पैक्ट आ रहा है वहाँ पे, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, सेफ सिटी का मैंने पहले भी विज़िट किया हुआ है, जब मैं DGPR में काम कर रही थी SPRO, तब मैं मीडिया टीम्स को 3-4 दफ़ा यहाँ पर लेकर आई विज़िट कराने के लिए, तो मैं तो पहले भी देख चुकी हूँ, तो मुझे तो ये बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव लगता है गवर्नमेंट का कि एटलीस्ट आप जब रोड पर निकलते हैं तो आपको लग रहा है कि आप सिक्योर हैं। इससे ये हुआ है कि जो क्राइम रेट है वो भी कम हुआ है, लोगों को पता ही नहीं इन एरियाज़ में कैमरा लगे हुए हैं, तो यूजुअली वहाँ पे क्राइम नहीं हो रहा जहाँ जहाँ लगे हुए हैं कैमराज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं। आप उनकी जो तादाद है उसको बढ़ाएं ताकि जो पूरे लाहौर को हम जो कवर कर रहे हैं और जो एरियाज थोड़े रह गए हैं जहाँ पे अभी भी क्राइम रेट है तो उसको भी बेहतर किया जा सके। तो बड़ी एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील होती है आपको जब आप रोड पर जा रहे होते हैं और somebody is watching you. हाँ, somebody is watching you. और सेकेंडली मुझे बड़ा अच्छा लगता है ई चलान का कि ई चलान हो रहा है और आपके डोर स्टेप पर आपको चलान मिल रहा है, आप जाएं ऑनलाइन पे कर दें या जैसे भी उस फैसिलिटी को आप अवेल कर सकते हैं, उससे ये हो रहा है कि लोग जो हैं वो सिग्नल्स तोड़ नहीं रहे हैं, एटलीस्ट रुक जाते हैं, लाइन से पीछे खड़े होते हैं, तो लोगों के अंदर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बढ़ रही है, तो दैट इज़ वेरी गुड थिंग। मेरे साथ इस वक्त मैडम उज़्मा मौजूद हैं जो PRO2 लिटरेसी मिनिस्टर पंजाब हैं, उनसे बात करते हैं और सबसे पहले उनसे ये पूछेंगे जो वुमेन सेफ्टी ऐप है जहाँ पे उन्होंने इतना ये सेफ सिटी को देखा, अच्छी इंटीग्रेशन देखी, लेकिन वुमेन सेफ्टी ऐप पे उनकी क्या राय है, वो देखती हैं कितना ज़रूरी था हमारी जो माएँ बहनें उनको लिटरेसी ली वुमेन सेफ्टी ऐप के लिहाज से उन्हें एजुकेट करने में। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, मैं वुमेन सेफ्टी ऐप के बारे में बात करना चाहूँगी कि जब मैं वुमेन डेवलपमेंट मिनिस्टर की PR हूँ तो उसमें ख़वातीन का, बच्चियों का, स्टूडेंट्स का फीडबैक आ रहा होता है, तो वो बड़ा अच्छा महसूस करती हैं कि हम लाहौर में सेफ़ हैं, और जब भी कोई हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हम इसको कॉल करते हैं, हमारी लोकेशन आ रही होती है जिसकी वजह से हम बहुत सारे हादसों से बच जाती हैं। मैं यहाँ पे आज मैंने विज़िट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, इट इज़ अमेजिंग, और ऐसा मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के तमाम सूबों में ऐसा एक सिस्टम होना चाहिए कि आपके शहर के एग्जिट और एंट्री पॉइंट्स जो हैं वो नोट हो रहे हैं, और ये दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ भी एक बहुत बड़ा, मैं कहती हूँ हुकूमत का एक महास है, उन्हें कामयाबी इस पर हासिल की। मैडम ग्रास रूट लेवल तक आप इस मैसेज को पहुँचाने के लिए क्या करेंगी, आप प्रैक्टिकली किस तरह देखती हैं इसको? चूँकि मैं मीडिया से रिलेटेड हूँ और इंशाल्लाह आई शल स्प्रेड दिस मैसेज थ्रू मीडिया, मैं अपने प्लेटफॉर्म से इसको स्प्रेड करने की पूरी कोशिश करूँगी। मैडम अंबर PRO2 फाइनेंस मिनिस्टर पंजाब मेरे साथ मौजूद हैं। मैडम जो मीडिया है, जो पब्लिक रिलेशंस है, आईज एंड ईयर्स ऑफ स्टेट है, गवर्नमेंट है, आप क्या समझती हैं ये कितना ज़रूरी था पुलिसिंग में एक मीडिया के रोल को, और देन जो अच्छा काम है पुलिस का आवाम को बताने के लिए, ताकि एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए अभी आपने मेरे इंट्रोडक्शन में भी बताया है कि मैं फाइनेंस मिनिस्टर के साथ हूँ, तो मैं बहुत अब चूँकि अब जिस सेक्टर में आप काम कर रहे हो तो अब हर चीज़ को उसी एंगल से देखते हैं, तो मुझे लगता है कि जो हमारे इन्वेस्टमेंट का जो इशू है, इन्वेस्टमेंट जुड़ी हुई है, जब तक हम इन्वेस्टर को सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी तो आपके जो अखराजात हैं वो पूरे नहीं होंगे। मैं तो बहुत खुश हूँ कि हमारे सूबे में एक इस लेवल का प्रोजेक्ट हो रहा है, और उसमें अभी मुझे सामने स्क्रीन पे मैं देख रही हूँ कि मार्केट तक हम देख रहे हैं कि वहाँ पर क्या एक्टिविटी चल, तो अगर वहाँ पे मतलब इतनी सिक्योर हैं हम कि वहाँ पे अगर हमारी कोई मोबाइल लेता है या पर्स लेता है, इवन की बहुत छोटी छोटी चीज़ें, कोई चीज़ गिर जाती है, कोई चीज़ गिर जाती है तो हम उसको भी वहाँ यहाँ से देख के रिपोर्ट कर रहे हैं, और वो हमें अब हम सिक्योर हैं, तो हमें अपने इन्वेस्टर को यहाँ पर लेकर आना, स्पेशली हम उनको यहाँ पर आएंगे विजिट कराएंगे तो हमें अपने पंजाब में जो सरमायाकारी बढ़ाने में ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल है। और अब मैं तो जिस भी प्लेटफॉर्म पर जाऊँगी तो वहाँ पर जाके ज़रूर ये बात करूँगी, बिल्कुल मैं कन्विंस करूँगी, और जब हमारे पास यहाँ पे आएंगे फॉरेन डेलीगेशंस तो मैं तो सबसे पहले यही सजेस्ट करूँगी कि सबसे पहले आप उनके को वो विजिट कराएं, जब कोई बिजनेस कॉन्फ्रेंस हम करेंगे तो बजाय इसके कि हम उन्हें लाहौर के और हिस्टोरिकल प्लेसेस दिखाएं, हम उनको यहाँ पे लेकर आएंगे ताकि वो देख सकें कि यहाँ पर उनका बिजनेस करना कितना सेफ और सिक्योर है उनके लिए, तो और हम उनके लिए क्या कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त अतीक अहमद साहब मौजूद हैं, PRO2 मिनिस्टर प्रिजंस पंजाब, उनसे बात करते हैं क्या समझते हैं इस अदारे का होना, सेफ सिटी का होना
लॉ एंड ऑर्डर और जो इनकी मिनिस्ट्री है उसमें कितना हेल्पफुल हो सकता है और कितना हेल्पफुल है अभी भी। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर हम जो हमने विजिट किया है पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी, हमें बहुत अच्छा लगा है। एक स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्टीट्यूट है पाकिस्तान में जो हमारी सेफ्टी को इंश्योर कर रहा है और उम्मीद है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स रेप्लिकेट करेगी गवर्नमेंट। और जैसे कि आप लोग जानते हैं मैं मिनिस्टर प्रेजेंस के साथ हूँ, वहाँ भी हम PITB के साथ एक इस तरह का प्रोजेक्ट हमारा पाइपलाइन में तकरीबन फिनिशिंग की तरफ जा रहा है, उसमें भी प्रेजेंस की सिक्योरिटी और मैनेजमेंट को हम तकरीबन ऐसे ही मॉडर्न लाइंस पे लेके चल रहे हैं और हमें भी वहाँ पे इसका फ़ायदा महसूस हो रहा है। उसके बाद पुलिस जो आपके डे टू डे अफेयर्स को मैनेज कर रही है, आपकी टिकटिंग जो है, आपकी ट्रैफिक टिकटिंग है उस पे जा रहे हैं और ट्रैफिक मैनेजमेंट है, उसके बाद आपके लॉ इन्फोर्समेंट में जा रहे हैं, ये सारे के सारे कम्युनिटी पुलिसिंग में आपके घूम जाते हैं, आपकी कुछ चीज़ घूम जाती है, ये सारी चीज़ें हमें हेल्पफुल साबित हो रही हैं और ये होनी चाहिए बहुत ज़्यादा।